नाजी नवाज न्यूज में भलीकार संजा सैयद हल्ला से नई तरफ सुप्रीम कोर्ट पंजाब के वे वजीर हमजा शहबाज के इख्तियार महदूद कर छड़ा। हमजा शहबाज सूमर ताई ट्रस्टी वो वजीर हों आइन कानून मूजिब कम करे वजीर जहाँ वे इख्तियार इस्तेमाल न कद जैसा खेस सियासी फायद थिए के मुकररियों या बदलियों क्यों व्यूं तो कल दम करार दिनों हमजा शहबाज काबीना भी मुख्तसर रखी सो। सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी कर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग खिलाफ चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त से चीफ जस्टिस रिमार्क्स दान पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर अदालती फैसले की ओथ वी 10 वोट रद्द कया। जाहरी तौर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। हमजा शहबाज की वे वजारत घनी खतरे में नजर अच रही है। अदालत पारा डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी के सूमर से रिकॉर्ड सूदो इस्लामाबाद के रजिस्ट्री में पेश हुक्म। एक तरफी फैसल आडो कंध झुकान जो वक्त वो मौजूदा सियासी दफेड़ अदम इस्तकाम जो सिलसिलो इन अदालती फैसले ती शुरू थो। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ट्वीट तो चवण है तो जैसे इंसाफ जहबान भी धमकियन गारियन के दबाव में अची बार बार एक बेंच जरिए खास फैसला कन था तो एक तरफे फैसल अगर सर झुकान की उम्मीद असा न रखी वे हाँ घो आइन के मनपसंद तशरी कहें मर्जी से वोट ईंदड़ जहा वोट न गण जो हुक्म जारी थो तो जी दादले के फायद पहुंचे वो मंजूर ना है। पंजाब के वे वजीर की इलेक्शन केस की बुधनी फुल कोर्ट करे हुकूमत जो मुतालबो हुकुमरान इतिहाद पैं पधराई में है आला अदालत के समूर जजन से बधल फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरख्वास्त बेन लागापिल दरख्वास्त के गदाए बुधनी ला मुकरर करे उनते फैसलो करे छो तो ये तमाम अहम कौमी सियासी आइनी मामला उनके नतीजे में पैदा थन्दड़ सियासी अदम इस्तकाम की गरी कीमत कौमी मैशत की दीवार पणी के खतरन आवाम महंगाई बेरोजगारी गुर्ब की सूरत में अदा कर रो है। इमरान खान बार बार सियासत में दफेड़ पैदा कर रो है जो मकसद एहतसाब का बचण चोर दरवाजे का इकतदार हासिल करना है। आइन जमहूरियत आवाम के हक से का भी सौदेबाजी न कई वी। हमजा शहबाज पंजाब के वे वजीर के अहदे जो हलफ खड़ी वरतो नए चूंडियल पंजाब के वे वजीर के गवर्नर हाउस में हलफ बरदारी तकरीब गवर्नर पंजाब मलिक रहमान हमजा शहबाज के हलफ खण आयो। तकरीब में सूबाई तौरे कौमी असेंबली मेंबर्स नून लीग अगवाणन अहदेदारन कारकुनन आला इख्तियार की शिरकत। पाक फौज इलेक्शन बाबत मीडिया से हलदड़ खबरों की सख्ती से तरदीद कर छी। डी जी आई एस पी आर मेजर जनरल बाबर इफ्तार चवण है तो फौज के सियासी मामलों का परे रखे वे इलेक्शन बाबत फौज वाले खबरों में का भी सदाकत ना है। सियासी जमायतू पांजा मामला पा हल कर सिंध हाउस आसिफ जरदारी के इल्जाम बेबुनियाद। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात इमरान खान के उम्मीदवार के वोट न देने जो फैसलो कयो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मूजिब पार्टी हेड फैसलो करे तो उनते अमल थींदो। सिंध हुकूमत हर सूरत में मकानी चूंडू कराने चाहे पई पर ओचितो सिंध हुकूमत की मर्जी के उक्तर फैसलो थो। सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को दौरों करण बाद मीडिया से गाल सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मानून भित्ते नई गेट ते हमलो कयो जैसा फुटेजिस मीडिया नशर कया। हमलो करण ते बिना देर इमरान खान खिलाफ कार्रवाई कई वे इतलात वे सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमण और मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील इनाम मेमण जो चवण है तो इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के तकरारी बनाने चाहे तो चाहे तो फॉरन फंडिंग केस जो फैसलो न अचे। इमरान खान अदालत से दबाव विझी हक में फैसलो वठण चाहे तो असेंबलियन जहा फैसला असेंबलियन में ही थे घुर्जन। ही मू इदार इलेक्शन कमीशन के धमकियों दई रहा
मुर्तजा वहाब चवे तो असद उमर के खत से पंजी मेंबर के डी सीट कह वो आर्टिकल टेहट ए में पार्लियामानी पार्टी नपर पार्टी सरबराह जो जिक्र अचे तो पंजाब के वे वजीर की चूंड वाले केस बाबत सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट जोड़ी वने जहां फैसलो बुधाए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बरसात हेठाई वाला इलाका पानी हेठ अची वाया। कराची के मुख्तलिफ इलाकन में हल्की बरसात जो सिलसिलो जारी। हैदराबाद शिकारपुर कश्मोर कंकोड बख्शापुर बडाणी गौसपुर करमपुर जैकबाबाद छुल मीरपुर बुर्रो मुबारकपुर गढ़ी हसन अमनाबाद रोहड़ी पिथोरो खिपरो खाई हथोंगो ढलियार बेन इलाकन में अछे थर के मुख्तलिफ इलाकन में बरसात। कराची में सुभाने का तेज बरसात जो इम्कान उन दौरान तेज हवाओं खुली सकन थी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मूजिब कराची शहर में सुभाने सुबह जो पंजे वगे का तेज बरसात जो सिलसिलो शुरू थी सके तो कराची में जैसे ब खा टे कलाक बरसात पई तो 100 मिलीमीटर का वधीक थी सके थी। पंगरियों में ढाबी फार्म वासिर नारीसा भील बिरादरी ओबाश नौजवानों पारा जिनसी डाढ़ाई वे वाके खिलाफ शटरबंद हड़ताल अदालत जो केस दाखिल न कर जवाबदार की गिरफ्तार न कर खिलाफ समेत सियासी समाजी धुरियन जो एहतजाजी धरणों पुलिस इल्जाम हेठ आयल बिन्हीं जवाबदार आसन भील मेघलू भील के गिरफ्तार कर FIR दाखिल कर छी। पुलिस कार्रवाई बाद शहर जो धरणो खत्म। ओडेरो लाल स्टेशन की रेलवे कॉलोनी में मस्जिद के पेश इमाम से नीगर सा बद फैली जो इल्जाम वीडियो वायरल थियण का पोए शहर में ताव पकड़ जी वयो। थाने गया एहतजाजी धरणो पेश इमाम से मुबैना बद फैली जो केस दाखिल कर दियो। न्यू कराची के इलाके सेक्टर 11D में फुर्जी वारदात दौरान शहरी की फायरिंग में बजा मारजी वाया। पुलिस मूजिब मारजी वाल फोरून जिनके एक शहरी फुर दौरान फायरिंग करे मारो है वधिक जांच हलंदड़ है। सरजानी टाउन थाने की हद में पुलिस ए डोहारिन विच में मुकाबलो एक फोरू मारजी वो एक पुलिस अहलकार एक शहरी जख्मी। जामशोरों में अलमंजर भरसा KB फीडर में वेंजन दौरान बजना बुढ़ी वाया। लम्स कॉलोनी रहवासी लियाकत ऐवान संदस दोस्त सनाउला सुमरो एक बे के बचाईंदे बुढ़ी वाया। मकामी टोबन पारा लाशन की गोल्हा जारी। विची वेझो गोठ सकारियो भील की तराई में ब बाड़ियों बुढ़ी फौत थी व्यू। बुढ़ी वालन में मरघान भील थाना भील शामिल। लाश पोस्टमार्टम ला मिठी अस्पताल आंदा वया। कंबर वेझो डेरा वे इलाके में पानी की खड में किरण सबब मासूम वाड़ो वसीम डेरो बुढ़ी फौत थी वो। टंडोबागो भरसा गोठ सूनो खान रिंद में मासूम बारड़ी वाटर कोर्स में बुढ़ी फौत थी वही। फौती बारड़ी शहजादी रिंद जो लाश घर पहुंचने से कोहराम। खैरपुर बरसा गोढ़ाजी जादल खान खोरखाणी वासी नींगरी साहब जवाबदार पारा ज्यादती की कोशिश। प्रियालो थाने ते जवाबदार खिलाफ NC दाखिल। सिंध रेंजर्स पुलिस की इंटेलिजेंस जान की बुनियाद से कराची के औरंगी टाउन में गडियल कार्रवाई। फोरन के गुरु जा टे जवाबदार गिरफ्तार। तर्जमान मूजिब गिरफ्तार जवाबदार में सारिम जुबेर उमेर शामिल। सिंध रेंजर्स खास टीम जरिए जदीद टेक्नोलॉजी तहत जवाबदार के गिरफ्तार कर चोरी थियल सोन बरामद कर जवाबदार के बेन साथियों की गिरफ्तारी लाए छापा हया पे वन। सरहद में सफारी पार्क वट ट्रॉलर ए रिक्शा में टक्कर। हादसे के नतीजे में जख्मी थियल नौजवान फौत थी वो। जख्मी थियल शाहनवाज भट्टी जख्मन जा सूर न सहंदे रहीम या खान अस्पताल में दम दिनों। हादसे में रिक्शा ड्राइवर सिराजदीन थले ते फौत थी वो। हब वेझो गडाणी मोड़ से वेगन कार में टक्कर 10 जणा जख्मी। जख्मी के कराची रेफर कर।
हैदराबाद में नसीम नगर थाने की हदर रेवेन्यू कॉलोनी में एसएचओ के घर आलो कार बिहारणता सोलंगी एप्रोही बिरादरी की बिंदरी में झेड़ो फायरिंग डंडा आई सरोटा लगर सब बशेणा जख्मी अस्पताल मुंतकिल खेपरो वेझो दौलतबाद में मरी आई कबरी बिरादरी की बिंदरी में जमीन की मालकिन झेड़ो गोली लगर सब बटेणा जख्मी थी पाया। हैदराबाद में होटल मालिक संदस साथी न था मार वेल नौजवान बिलाल काका के कतल केस की बुधड़ी गिरफ्तार चयनी जवाबदार शाह सवार अफजल पठान मोहम्मद गुल अहमद यार के सख्त सिक्योरिटी में फोर सिविल जज एंड जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर अदालत जवाबदार के पंजन के जिस्मानी रिमांड से भिजाई नगर पुलिस हवाले कर छो बिन अखियन हेठन शाहिदन जहा कलम बंद कया वा। मोरो की सिंध कॉलोनी में रहवासी नौजवान बिजली जो करण लगन सबब फौत नौजवान जिनसार सोलंगी करण लगन सबब बेहोश थी वो जैसे खानगी अस्पताल पहुंचाया वो जिते डॉक्टर संदस फौत थियण की तस्दीक कई। गुडू की बाबडा कॉलोनी वासी ब नौजवान पुरसरार नमूने गुम शफी मोहम्मद मलिक मोहम्मद कासिम काजी गुजर रात का गुम थी वाया वारसन पारा अगवा जो शक गुडू थाने ते एनसी दाखिल। सखर की थर्मल कॉलोनी में घर की छिटकिरी पई बिन औरतों ने बिन बारन समेत पंज जणा जख्मी इलाके वासी जख्मी के मलबे में कढ़ो अस्पताल मुंतकिल घर की छित कमजोर होजन सबब वाकई पेश आया। पीर जो गोट के सोनारा बाजार में सोनारे दुकान था मुबैना तौर चोरी कदड़ चईन औरतुन के दुकानदार सोगो कर वरतो पुलिस हवाले चईन औरतुन सोनारे अब्दुल कयूम मेमण की दुकान में मुबैना तौर सोन चोरी कर दुकानदार जहाँ ते शहरी चैनी औरतुन के पकड़े पुलिस हवाले कयो। आई खैरपुर जिले में गैस्ट्रो की बबा से जब्तो न अची सको फेसगंज वेझो गोठ सोनू खान मजीदानो में गैस्ट्रो बिगे नींगरी फौत थी वही। खैरपुर में गैस्ट्रो जहाँ सठ बारड़ा अस्पताल भेड़ा अस्पताल में बिस्तर की खोट पैदा थी वही।